Greetings to all of you. In the last lecture, we discussed about the female and male reproductive system. In this lecture, we will be discussing about the hormonal control on the male and female reproductive system. So first, we will take the male reproductive system's hormonal control. So FSH is a follicle stimulating hormone. It will stimulate the germinal epithelial, जो seminiferous tubule के अंदर germ layer होती है उसको ये stimulate करता है. देर विल बी meiosis, उसमें meiosis ये create करेगा germ cells के अंदर जिससे gamete produce होंगे. गैमिट, मेल गैमिट क्या होता है, दैट इज स्पर्म. तो देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH. सेकेंडली, इट विल स्टिमुलेट द सेरटोली सेल प्रेजेंट इन द दैट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल. सो दैट विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी, सेरटोली सेल विल प्रोड्यूस टू प्रोटीन. वन इज एंडेरोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड सेकेंड इज इनहिबिन. सो दे विल कंट्रोल द प्रोडक्शन और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. सेकेंड हॉर्मोन इज इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन दैट विल स्टिमुलेट द लीडिंग सेल that are again present in the seminiferous tubules. So leading cells in turn will produce the androgen. Androgen means male sex hormone, and the main male sex hormone is testosterone, which will in turn develop the secondary sexual characters in the male. So these two hormones will control the human male reproductive system. They are responsible for the production of sperm as well as hormone, and that hormone will produce the secondary sexual character in a male. So what is puberty? Puberty is maturation. So in human male, it vary from 13 year to 16 year. एज जो है वो बच्चे की 13 से 16 साल के बीच में पबर्टी मैच्योरेशन आ जाता है. इन जर्नली क्या होगा कि वो उस फेज में, इस एज में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल वाले वो आने शुरू हो जाते हैं. तो पबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट मीन्स स्पर्म प्रोडक्शन विल स्टार्ट देयर. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर टेस्टिस, उसके अलावा जितने भी ऑर्गन है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, दैट विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड दे विल बिकम फंक्शनल. सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विल बिकम फंक्शनल एंड दे विल डेवलप एट देयर एक्सटेंट. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विल डेवलप विच विल गिव ए मेल मैनी अपियरेंस, उसको एक मेल जैसी जो अपियरेंस देगा वो करेक्टर्स उसके अंदर अपियर होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. सो फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इज डीप वॉइस. मेल की जो वॉइस है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी हैवी होती है. वो किसकी वजह से, वो इन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में जो टेस्टोस्टेरोन जनरेट करता है उनकी वजह से. तो मेल का जो वॉइस बॉक्स होता है, एडम एप्पल जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है. तो वो किस वजह से होता है, वो आपका हार्मोन की वजह से होता है और वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है मेल के अंदर. हेयर पैटर्न, मेल के अंदर स्पेसिफिक हेयर पैटर्न है, जैसे चेस्ट हेयर है, बियर्ड है, मुस्टेचेज हैं, एक्सियल हेयर हैं, प्यूबिक हेयर हैं, वो उस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन के इन्फ्लुएंस से वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, इन कंपैरिजन टू फीमेल males have broad shoulder, so that will also because of the testosterone, and this is also considered as a secondary sexual character. Uski physique jo hai female ke comparison mein thodi si matlab built ho jati hai, zyada heavy hoti hai, to wo hormone ki wajah se. Protein metabolism male ke andar zyada hota hai, and protein metabolism ki wajah se muscle gain hota hai. So that is why there will be broadening of shoulder and increase in the height. So these are general secondary sexual characters in the human male which are generated by the testosterone hormone.
Let's discuss the hormonal control of female reproductive system. So again, there will be FSH, follicle stimulating hormone, that will stimulate the germinal epithel or follicular cell which are present in the ovary. So follicular cell will convert into the graafian follicle, जो हमने ovary की internal structure में पढ़ा था. तो क्या होगा, FSH के influence की वजह से follicular cell will convert into the graafian follicle. Second influence क्या होगा, these will produce the estrogen and which will produce the secondary sexual character of a female. तो ये estrogen की वजह से female के अंदर secondary sexual character आएंगे, जो एक female को female जैसी appearance देंगे. सेकेंड हार्मोन इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होगा, दिस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन द ग्रेफियन फोलिक्यूल टू रिलीज द एग. एग को रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा, और मतलब उसकी वजह से क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन विल कंप्लीटेड. सेकेंड फंक्शन इज दैट इट विल मेंटेन द कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम कब बनेगा, ओवुलेशन के बाद जो ग्रेफियन फोलिकल का रिमेन्स रह जाता है, दैट विल कन्वर्ट इन टू द कॉर्पस लूटियम, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टोन, एंड प्रोजेस्टोन इन टर्न will maintain the thickness of endometrium wall, which is in turn is responsible for the implantation of embryo. तो embryo को attach करने के लिए corpus luteum progesterone release करता है, ताकि endometrium wall की thickness बनी रहे. उस चीज को maintain करने का काम luteinizing hormone करता है. So this was hormonal control on the female reproductive system. Let's discuss the puberty in female. It will occurs between 11 to 14 year of age. 11 से 14 साल की एज तक ये उसके अंदर पबर्टी आएगी ह्यूमन फीमेल के अंदर. यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो इसका साइन है दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट. उनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं मंथ वाइज ओवुलेशन की वजह से, वो स्टार्ट हो जाते हैं. स्टार्ट ऑफ ओवुलेशन, एग रिलीज होने लग जाता है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है. वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन, मेल के अंदर शोल्डर ब्रेड होते हैं, ब्रॉड होते हैं, सॉरी, मेल के अंदर शोल्डर ब्रॉड होते हैं, फीमेल का पेल्विक रीजन ब्रॉड हो जाता है टू सपोर्ट द बर्थ. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूट्रस विल एक्सपेंड, एंड टू अकोमोडेट दैट यूट्रस देयर शुड बी स्पेस. सो पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल विल ब्रॉडन टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी एज वेल एज बर्थ ऑफ द बेबी. इनलार्जमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड विल इनलार्ज टू फीड द बेबी आफ्टर बर्थ. डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाई एंड हिप रीजन, लोअर पोर्शन फीमेल का हैवी होना चाहिए टू सपोर्ट द बर्थ ऑफ अ बेबी. सो दैट इज वाई देर विल बी फैट डिपोजिशन. फीमेल के अंदर फैट मेटाबोलिज्म ज्यादा होता है, मेल के अंदर प्रोटीन मेटाबोलिज्म ज्यादा होता है, इसलिए मेल मस्कुलर होते हैं और फीमेल के अंदर फैट डिपोजिट ज्यादा होते हैं. All changes occur due to influence of estrogen. जितने भी ये changes हमने female के अंदर discuss किए हैं, these will be influenced by the estrogen. ये सब के सब estrogen की वजह से होंगे.